तो ये जो एक नया अपडेट है, जेडीयू के हाथ में सत्ता की चाबी है। प्रवीण जी, जरा बिहार के बारे में बताइए, किंग मेकर नीतीश कुमार। आपको ये मैं बताऊं कि जिस नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा था, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो कार्यकर्ता और जो वहां के नेता थे, वो ये लगातार कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार जो है वो कमजोर करी है। विपक्षी दल भी लगातार यही कह रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो कमजोर करी है। लेकिन सभी को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चौंकाया है, और अब देखिए कि नीतीश कुमार के पास सत्ता की चाबी है। यानी अगर आप 16 में से 15, नीतीश कुमार के साथ साथ प्रवीण चंद्रबाबू नायडू भी है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू भी बिल्कुल, ये दोनों अगर आप अभी देखिए, अभी जिस प्रकार से हमारे पास रुझान है, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास ही सत्ता की चाबी है। मैं बिहार को लेकर चर्चा कर रहा था, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, यानी जेडीयू जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी हुई है। और आप देखिए एकमात्र सीट, अगर उस सीट पर जेडीयू अगर वहां पर उम्मीदवार को बदल देती तो वो सीट भी 16 में से 16 सीट जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती। उस सीट के बारे में, जहानाबाद सीट के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि इस सीट पर जो है चंद्रवंशी जी को बदल दीजिए, लेकिन वो एक फैसला बस गलत हुआ है। और वो अगर फैसला सही होता, वहां से सिर्फ उम्मीदवार बदल देते, तो निश्चित रूप से वो सीट भी जेडीयू के खाते में जाती। और अब ये कहा जा रहा है कि जेडीयू जो है वो सत्ता की चाबी अगर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी रुझान है, अगर यही नतीजे में भी तब्दील हुआ, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास जी इसी पर आपसे जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, और जो हम लोगों की ये चर्चा थी कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को कहा था कि नीतीश कुमार को लोग कम आंक रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना एक जनाधार है, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में उनका अपना एक जनाधार है, महिलाओं को लेकर उन्होंने काफी काम किया है वो एक जनाधार है, युवाओं में भी खासा उत्साह उनको लेकर देखा जाता है नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर काफी नाराजगी है, नीतीश कुमार तो इस बार फिनिश हो गए हैं, क्या ये नैरेटिव नहीं चल पाया? देखिए ये नैरेटिव मीडिया के कुछ हलकों में चला और कुछ जो उनके विरोधी हैं उन्होंने चलाया, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, एक लाइन में अगर आप नीतीश कुमार की छवि को समेट दीजिए तो वह लाइन ऑफ बिहार नीतीश कुमार मात्र। आप देखिए बिहार जैसे वैसे राज्य में जहां जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनकी अपनी जाति की आबादी बहुत ही कम है, लेकिन जिस तरह से बिहार में उन्होंने 2005 से सत्ता संभालने के बाद बिहार का कायापलट किया है, कोई अंधा ही होगा जो यह कहेगा कि बिहार की तस्वीर नहीं बदली है। सड़कें बनी, बिजली आई, और महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। आज आप बिहार की सड़कों पर सुबह निकल जाइए, बिहार की सड़कों पर आपको लड़कियां साइकिल पर चढ़ के पढ़ते हुए नजर आएंगी। तो ये एक देखिए सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को मैं क्रेडिट ये दूंगा कि एक राजनीतिक बदलाव होता है और दूसरा एक सामाजिक बदलाव होता है। कई राजनेता जो है राजनीतिक बदलाव तो कर पाते हैं लेकिन सामाजिक बदलाव नहीं कर पाते हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के समाज को बदला है, इस बात का क्रेडिट उनको जाना चाहिए। एक बात और, जाति गणना करवाकर और जिस तरह से उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, इसलिए आरजेडी का कोई भी एजेंडा उनके खिलाफ नहीं चला। जो अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश आरजेडी के तरफ से हुई वो इसलिए नहीं चली क्योंकि एनडीए के फेस। विकास जी क्या लोगों ने खास करके जो रोजगार को लेकर, खास करके तेजस्वी यादव जो लगातार कह रहे थे कि 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने काफी रोजगार दे दिया, क्या लोगों ने इसके तेजस्वी यादव के इस बयान को, या ये जो लगातार वो क्रेडिट ले रहे थे, उस क्रेडिट को बिहार की जनता ने एक प्रकार से नकार दिया? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार बिहार के बुर्ज खलीफा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने लाखों की संख्या में रोजगार दिया जो अकल्पनीय है। और जब मुख्यमंत्री इस बार बीते गांधी मैदान से जो ऐतिहासिक नियुक्ति रैला निकाला उन्होंने, और 4 लाख लोगों को नौकरी दी, और निश्चित रूप से बिहार के लोगों ने माना कि जो 4 लाख सरकारी नौकरी एक झटके में दी और 3 लाख जो है प्रक्रियाधीन है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसका क्रेडिट जाता है, एक बात। और दूसरी बात जो है, जो उन्होंने दलित महादलित वर्ग को सशक्त किया उसमें भी उनको क्रेडिट मिलता है, और वो सारा वोट जो देखिए दलित महादलित का, और महिलाओं में जीविका योजना जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है कि जिस तरह से जीविका को आजीविका के रूप में भारत सरकार ने अपनाया, और जो उनकी जो जल जीवन हरियाली मिशन है वो देखिए एक अलग तरह से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब सारे समीक्षक बैठकर दिल्ली में और नोएडा में ये चर्चा कर रहे थे कि इस बार जेडीयू की सीटें घटने वाली है, तो देख लीजिए ये जनता का मूड बता रहा है कि नीतीश कुमार लाइन ऑफ बिहार हैं, और नीतीश कुमार ने अपनी उपयोगिता साबित की है। और बीजेपी के भी कुछ बड़बोले नेता हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि
नाम लेकर आप बेकार समय जाया करेंगे, उनको भी ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार किस तरह से साइलेंट वर्क करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो उन्होंने सुधार लाया वो अविस्मरणीय है। चाहे वो देखिए साइकिल योजना जो है वो जबरदस्त है, उससे खास करके जो बच्चियां हैं वो वहाँ स्कूल जाने में काफी सहज महसूस कर रही है अब, क्योंकि वह बहुत दूर जो स्कूल होता था वो नहीं जा पाती थी, अब साइकिल होने की वजह से वो काफी तेजी से वहां पर जो है स्कूलों में खासकर बच्चियों की संख्या में जो है वो इजाफा हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि इन सभी योजनाओं का नतीजा जो है आज नीतीश कुमार को उसका परिणाम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए वो है ही, एक पक्ष और भी है कि हर नेता बिहार में अपने परिवार से किसी को आगे करता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक अपने परिवार से किसी को आगे नहीं किया। आज तक नहीं दिखा कि नीतीश कुमार का कोई भतीजा हो जिसको बड़ी कोई मतलब ठेका मिल गया हो या बड़ी कोई सरकारी नौकरी मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पारदर्शिता से उन्होंने इतने लंबे समय से बिहार में सरकार चलाई है, इसलिए जनता जो है नीतीश कुमार पर मोहित है। जिस बिहार के गाँव में कभी एक घंटे बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है, और आप देखिए वो भी बिजली बहुत कम रेट पर ग्रामीण इलाकों में दी जा रही है। तो ये सारी योजना, और अब तो धान का भी जो MSP जो दिया जा रहा है, लंबे समय से आप देखेंगे किसानों को धान का MSP मिल रहा है, तो वो फायदा मिल रहा है लोगों को। और इस वजह से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार उसी ताकत के साथ आए। एक और फैक्टर था, देखिए नीतीश कुमार कमजोर हुए नहीं थे विधानसभा चुनाव में, उन्हें कमजोर किया गया था, और वो कमजोर किसने किया था, अब छोड़ दीजिए उन बातों को, गंगा और यमुना में बहुत पानी बह गया, लेकिन जिसने भी कमजोर किया उनको भी लग गया कि बिना नीतीश कुमार के वो चल नहीं सकते, और वो आज नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आते हैं और हर वक्त नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार एक धुरी है बिहार की राजनीति के, जिनके इर्द गिर्द कभी बीजेपी चलती है, कभी RJD चलती है। और जो तेजस्वी यादव आलोचना कर रहे थे, उन तमाम आलोचनाओं को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया, और फिर से अब तो बिहार छोड़िए दिल्ली की सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है।